अब यम आर एन ए, टी आर एन ए, इन सबको जाने के बाद अब थोड़ा सा जाने जेनेटिक कोड क्या होता है, इस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको समझिएगा। कुछ जेनेटिक कोड याद होने चाहिए। सबसे पहले गैमेओ इन 1955 इन्होंने थियोरेटिकली प्रपोज किया, कोई उसमें वो नहीं था। थ्योरेटिकली प्रपोज किया ट्रिपलेट जेनेटिक कोड, ये बात कहाँ से आई? ट्रिपलेट ही होगा क्योंकि नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस फोर टाइप्स के हैं, तो अगर कोड टू बेस का बना होगा तो फोर इंटू फोर मीन 16 कोडान बन सकती है, और चूंकि अमीनो एसिड इससे ज्यादा है इसलिए इनका कोड जो है 3 बेस का बना हुआ है, तो 4 × 4 × 4 64 कोडान की संभावना है, एंड 64 कोडान दे में कोड 20 अमीनो एसिड। तो जो गैमो का एजम्पशन था ट्रिपलेट वाला, यही आधार पे था। इसको नीरनबर्ग ने, खुराना ने बाद में इसको प्रूव किया, जेनेटिक कोड वाज डेसिफर्ड। जेनेटिक कोड वाज डेसिफर्ड। कौन कौन इसको डिस्कवर किए उसमें नीरनबर्ग हैं, जिन्होंने पाली यू आर एन ए बनाया। पाली यू आर एन ए बनाया और ये यू आर एन ए जो है इससे जो पॉलीपेप्टाइड बनी फेनाइल एनानीन की बनी, फिर उसमें उन्होंने 20 प्रकार के अमीनो एसिड डाल दिया मीडियम में ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। उन्होंने देखा कि फेनाइल एलानिन पॉलीमर बनाई, इसका मतलब यू कोड फॉर यू इट कोड फॉर फेनाइल एलानिन।
इसी तरह से साइटोसिन को लेकर के उन्होंने किया। और इसी तरह से उन्होंने ये को लेकर के बनाया। ये को लेकर बनाया पॉली ए। पॉली ए आर एन ए जब बनाया तो पॉली ए आर एन ए से उन्होंने देखा लाइसिन का पॉलीमर बन गया। इसका मतलब जो ए ए ए है, ट्रिपल ए है, इट कोड फॉर लाइसिन। और पॉली सी कारण ने बनाया। साइटोनिन पॉली सी का बनाया तो प्रोलीन मिला। इसका मतलब सी 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 दिस कोडान इज फॉर प्रोलीन। इन दिस वे कोडान फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स डेसिफर्ड। तो थोड़ा सा इसमें याद करने लायक क्या है, याद करने लायक इसमें तो इसमें अगर हम देखें तो ए ए ए दिस कोडान कोड फॉर लाइसिन, सी 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 कोड फॉर प्रोलीन, यू कोड्स फॉर फेनाइन एनिलीन। ये तो कुछ ऐसे नाम है जो खुराना ने जो किया, खुराना यू और ए को लेकर के बनाया। जी यू। जी यू। तो जी यू जी एक, यू जी यू एक। इससे उन्होंने देखा कि वैलीन ये कोट करता था वैलीन को और एक कोट करता सिस्टीडीन को। वैलीन एंड सिस्टीन तो कम से कम लाइसिन प्रोनीन फेनिलएलनिन वैलिन सिस्टीन इनके कोड तो कम से कम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही खोजे गए।
और नानसेंस खोजा खोजा गया यूएजी, नानसेंस खोजा गया यूएए, यूजीए, ये नॉनसेंस खोजा गया, ये टर्मिनेटिंग कोडान है, इनको याद करना जरूरी है, इनको कुछ याद करना जरूरी है। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जेनेटिक कोड, तो सबसे पहले था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रिपलेट जेनेटिक कोड होता है। ये यूनिवर्सल होता है, ये सेम कोडान फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, सब में सेम होगा। वो तो कोडान उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। दूसरा, रीडिंग कैसे करते हैं, पोलैरिटी क्या होती है, किसी भी कोडान की पोलैरिटी 5-3 होती है। फिर एक डीजनरेसी होती है, इसी कारण कई कोडान एक ही अमीनो एसिड कोड करते हैं। देखा गया कि 3 अमीनो एसिड हैव 6 कोडांस, 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 6 कोडान हैं, 5 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके 4 कोडान है। वन अमीनो एसिड है जिसके 3 कोडान है। तीनों कोडान एक ही अमीनो एसिड, चारों कोडान एक ही, पांच अमीनो एसिड को, या एक ही अमीनो एसिड को चारों, इस प्रकार से 5 है, तो ये डीजनरेसी है। फिर नाइन अमीनो एसिड्स, नाइन अमीनो एसिड्स ईच हैव 2 कोडांस, 3 अमीनो एसिड ईच हैव 6 कोडांस। कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए ल्यूसीन है, ल्यूसीन अमीनो एसिड के 6 कोडांस है, यू यू ए, यू यू जी, सी
यू यू सी यू सी यू ए सी यू जी, ये छ जो है लीसिंग को कोट करते हैं, ये डिजनरेसी। शेरी 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 यू सी यू यू सी यू सी ए यू सी जी, यूसी सब में कॉमन है, जैसे यहाँ सी यू सब में कॉमन, तो इसके बाद यू सी ए जी यू सी ए जी। इसी तरह से ए जी यू ए जी सी, ये सभी जो है सेरीन है, दिस इज डीजनरेसी। डीजेनेसिस से क्या होता है, नंबर ऑफ टी आर एन ए लिमिटेड हो जाते हैं। और ये क्यों होता है, ज्यादातर तीसरा नाइट्रोजनस बेस रीड नहीं किया जा सकता जाता, तीसरा रीड नहीं कर रहे हैं, तीसरा अंतर है ज्यादातर में, तीसरा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये डीजनरेसी है। वन अमीनो एसिड हैज मेनी कोडॉन, डीजनरेसी। अनएम्बिगुअस, ईच अमीनो एसिड हैज सिंगल कोडॉन, इसका उल्टा हो गया, ये भी इसका एक गुण ही है, यूनिवर्सल गुण तो होता ही है। अनअम्बिगुअस, वन अमीनो एसिड वन स्पेसिफिक कोडॉन, मतलब एक अमीनो एसिड का एक ही कोडान, एक अमीनो एसिड का एक ही कोडान हर इंडिविजुअल में, यूनिवर्सल। एक अमीनो एसिड के कई कोडान, डीजनरेसी। या देखिए जेनेटिक कोड के ये पूछे जा सकते हैं। फिर प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स पूछे गए थे, एक बार ये भी ध्यान दीजिए, अगर ज्यादा ना याद हो तो कुछ कुछ तो क्रम याद रहे। पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है, याद रखिएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड अपने आप ही पॉलीमराइज नहीं हो जाती, प्रोटीन से भाग नहीं लेती, अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ती है, और टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से जुड़ती है। पहले इससे जुड़ेगी तो क्या होगा,
अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्लस टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। इससे दो फास्फेट निकल जाएंगे, मतलब ये जो अमीनो एसिड है इसमें एटीपी जुड़ा, इसमें एंजाइम जुड़ा, तो अमीनो एसिड के साथ एएमपी रह गया, दो फास्फेट निकल गए और एंजाइम जुड़ गया। ये दो फास्फेट निकल गए, इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल गए, डाई नहीं ट्राई फास्फेट ये निकल गए, ये एक्टिवेशन है। फिर चार्जिंग क्या होती है? इसमें बताया गया है कि जो अमीनो एसिड होता है उसको किस सीक्वेंस में लगाया जाए कि वो एमआरएनए के कोडान के अनुसार जुड़े, इसके लिए अमीनो एसिड के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इट विल बी डिसाइडेड बाय टीआरएनए। तो टीआरएनए इज कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये चार्जिंग जो हो रही है ये टीआरएनए पर इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को जोड़ा जा रहा है। ये अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को टीआरएनए से जोड़ा जा रहा है, इसको चार्जिंग कहेंगे। चार्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि टीआरएनए विल डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नॉट अमीनो एसिड। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड गेट एक्टिवेटेड एंड देन इट चार्ज द टीआरएनए, देन ये टीआरएनए को चार्ज करेगा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक होता है, उसमें एक सिंथेटेज बाइंडिंग लूप होता है, एक राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होता है, एक एंटी कोडॉन लूप होता है। तो ये जो टीआरएनए है इसका जो पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, और यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है जहाँ ए ए सी लगा होता है, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। और ये टीआरएनए सिंथेटेज बाइंडिंग लूप है, इसी टीआरएनए सिंथेटेज बाइंडिंग लूप पर यहाँ पर अमीनो एसिड एक्टिवेट होती है, फिर वो याके से जुड़ जाती है। फिर ये राइबोसोम से बाइंड करता है, ये साइट राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, और ये एंटी कोडान होते हैं। यही डिसाइड करेंगे कि अमीनो एसिड को आना है कि नहीं, दे हैव एंटी कोडॉन, दे रीड कोडॉन। तो ये लूप जो है, जो डी आर करते हैं या डीएचयू लूप जो होता है, डीएचयू लूप यहाँ पर अमीनो एसिड एक्टिवेट होती है एंजाइम के साथ, कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर अमीनो एसिड यहाँ बाइंड होगा, अब टीआरएनए चार्ज हो जाएगा। तो ये टीआरएनए चार्ज हो गया,
ये अमीनोजिन अमीनोजिन। इसके बाद एएमपी फ्री हो जाएगा। इसके बाद जो एंजाइम था सिंथेटेज एंजाइम, ये भी फ्री हो जाएगा, ये चार्जिंग हो गई, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसमें ये अमीनो एसिड और एएमपी कॉम्प्लेक्स और एंजाइम ये टीआरएनए से जुड़ता है चार्जिंग के समय। एक्टिवेशन के समय एंजाइम से एटीपी जुड़ती है और अमीनो एसाइड टी आर एन ए सिंथेटेज जुड़ता है। इस एंजाइम का नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, अमीनो एसाइल। टी आर एन ए सिंथेटेज यही है, इतनी बात जानी है। तो ये अमीनो एसिड क्यों टीआरएनए से जुड़ता है? क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड डज नॉट गाइड, अमीनो एसिड इज नॉट अंडर गाइडेंस ऑफ एमआरएनए। अकॉर्डिंग टू एमआरएनए प्रोटीन इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज। एमआरएनए हैज कोड, दिस कोड विल बी रीड बाई टीआरएनए ओनली, दैट्स वाई अमीनो एसिड मस्ट बी कम इन कॉन्टेक्ट विथ टीआरएनए। तो चार्जिंग इज डन, तो चार्जिंग इज डन देन दिस टीआरएनए विल बी हैव लाइक एडाप्टर मॉलिक्यूल। It will read the codon since it has anticodon, and then it will decide the proper sequence of amino acid in protein chain. इतनी बात समझ में आई? आई तो बहुत बात, नहीं आई तो भी बहुत बात, बहुत अच्छी बात है। इतना समझा सकते हैं जितना मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा सीक्वेंस जानिएगा। पहले एमआरएनए आएगा, कहाँ से आ रहा है? ये न्यूक्लियस से आ रहा है। अब इस एमआरएनए पर 40S राइबोसोम यूनिट जुड़ेगी। अगर ये यूकेरियोट है तो, अगर प्रोकेरियोट है तो 30S राइबोसोम यूनिट जुड़ेगी। मतलब स्मॉलर यूनिट जुड़ेगी। इसके बाद टीआरएनए जुड़ेगा, चार्ज टीआरएनए जुड़ेगा। सबसे पहला, और चार्ज टीआरएनए क्या होता है? ये चार्ज विथ मेथियोनीन होता है, मेथियोनीन चार्ज पहले से ही होता है। तो मतलब ये एमआरएनए आया यहाँ पर, एयूजी इनेसी कोडान है, यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगी पहले। इसके बाद लार्जर सब यूनिट जुड़ेगी, मान लीजिए 30S जुड़ा। उसके बाद यहाँ पर एफ मेट मिथ्योनीन जुड़ेगा यहाँ पर। ये क्या है? टीआरएनए है।
अब टीआरएनए के बाद अब लार्जर सबयूनिट जुड़ेगी, तो वो 50S हो सकती है या 60S हो सकती है। तो अब इसके बाद पहले ये जुड़ा था, उसके बाद 4 TRNA जुड़ा था, इसके बाद लार्जर सबयूनिट आ जाएगी। सीक्वेंस याद करिएगा, पहला ये mRNA आएगा, दूसरा ये जुड़ेगा, तीसरा tRNA जुड़ेगा, चौथा लार्जर सबयूनिट जुड़ेगी 40S या 60S। अब ये यूनिट तैयार हो गई। अब इसको, इस यूनिट को थोड़ा सा और ध्यान से देखें। इसमें यहाँ एक साइट, एक एक्सेप्टर साइट इंतजार करती है एक लोडेड टीआरएनए को, एक दूसरे अमीनो एसिड टीआरएनए को। एक्सेप्टर साइट पी साइट पर ये लगा हुआ है, पेप्टिडाइल साइट पर, और ये पूरा स्ट्रक्चर जीटीपी की मदद से आगे बढ़ेगा। और ये इस पर बाइंड होगा, ये आगे बढ़ेगा, देखिए क्या होता है। ये लार्जर सबयूनिट है, ये स्मॉलर सबयूनिट है, यहाँ पर एक टीआरएनए है, यहाँ पर एक दूसरा टीआरएनए है, और ये साइट लगभग गायब हो रही है, विलुप्त हो रही है, इसको ई साइट बोलेंगे। ये पी साइट है, ये ए साइट है। यहाँ पर जो आरएनए आएगा उस पर अमीनो एसिड की एक चेन लगी होगी, मान लो लिखा हुआ यहाँ एलेलीन लिखा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है सेरीन, अगर आपसे पूछा जाए। और यहाँ पर कोडान लिखे हो, यहाँ पर लिखा है जी सी ए, जी का उल्टा क्या होगा, सी, सी का उल्टा क्या होगा, जी, ए का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर तो यू होता है क्योंकि आरएनए यू है। तो अगर पूछा जाए एलेनिन का, इसको देख करके एलेनिन का कोडान बताओ और एंटी कोडान बताओ, तो एलेनिन का कोडान जो है वो जी सी ए है, और एंटी कोडान इसका जो है वो सी जी यू है। इसी तरह से अगर पूछा सेरीन का, नहीं लगा हुआ है, और पूछा सेरीन का कोडान बताइए, या यहाँ ग्लाइसिन का पूछा जाए ग्लाइसिन का बताइए, तो इसके बाद से यहाँ तीन आप पढ़ लीजिए वो सेरीन का हो जाएगा, उसके बाद तीन पढ़िए वो ग्लाइसिन का हो जाएगा। यू सी सी ये सेरीन का होगा, यू सी सी इसके पहले अगर लिखा है जी 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 तो ग्लाइसिन का होगा,
जी 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 समझते जाइएगा। ये वाला पहला अमीनो एसिड का है एलनिन का, ये वाला दूसरा अमीनो एसिड सेरीन का है, ये वाला ग्लाइसिन का है। तीन तीन तो कोडान पढ़ते जाइए, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये एमआरएनए है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। ये नया टीआरएनए आ रहा है, ये ई साइट है जो यहाँ से टीआरएनए उड़ जाएगा। एग्जिट साइट है, ये ए साइट है, एक्सेप्टर साइट है, ये पेप्टिडाइल साइट है। पेप्टिडाइल साइट पर ही पेप्टाइड बांड बनता है। पहले ये पूरी चेन यहाँ लगी होती है, ये पेप्टिडाइल बांड यहाँ बनता है, तैसे ये छूट जाएगा। ये अब ये ध्यान रखिएगा, राइबोसोम का जो 5S आरएनए है, राइबोसोम का, ये हमेशा टीआरएनए से बाइंड करता है। और इसका जो 16S होता है आरआरएनए, ये एमआरएनए से बाइंड करता है। अब ये जो 16S है ये स्मॉलर सब यूनिट पाया जाएगा, 5S जो है लार्जर सब यूनिट पाया जाएगा, इसमें 5S पाया जाएगा, इसमें 16S पाया जाएगा, 23S या 28S ये लार्जर सब यूनिट पाए जाते हैं, और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक आरएनए एंजाइम का काम यहाँ कर रहा है, आरएनए एंजाइम के रूप में काम करे तो 23 और 28S ये पेप्टाइड बांड बनाने में काम आते हैं। ये कभी कभी UTR रीजन पूछा जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, तो ये अगर ये एमआरएनए है, इसका ये 5' एंड है, इसका ये 3' एंड है, तो जहां AUG लिखा हो, इनिशिएशन कोडान है, इसके पहले का सारा पोर्शन यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन है। इनिशिएशन कोडान के पहले द कोडान प्रेजेंट बिफोर इनिशिएशन कोडांस, ये यूटीआर है। और नॉनसेंस कोडान UGA, UAA, UAG, इन तीनों में से कोई एक अगर आ गया, उसके बाद के जितने कोडॉन्स हैं, कोडॉन आफ्टर नॉनसेंस यूटीआर में आएगा, अनट्रांसलेटेड रीजन में आएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टीआरएनए को एडाप्टर क्यों बताया गया? क्योंकि कोडान को रीड करने की क्षमता केवल टीआरएनए में होती है। टीआरएनए में एंटी कोडान होता है, तो प्रोटीन
में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड टीआरएनए कर सकता है, इसलिए टीआरएनए कैरी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कोई अरेंजमेंट नहीं है दैट विल डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड।